नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नया शुरुआत एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका नया होगा। आज मैं आप सबके साथ कुछ नया दिखाने वाला हूँ। आज मैं एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर एक नया चीज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इस एंट्रेंस एग्जाम को मेरे तीन दोस्तों ने निभाया है और तीन दोस्तों के कहानी के ऊपर मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। दसवीं तक बचे हुए कैसे कंप्लीट होगा, इस सब से बहुत पढ़ना है मुझे। ईसी उसी वो अच्छा हुआ है। सीट की तभी का फोन आ गया। हेलो, बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया तो नहीं पढ़ाई, हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो जाएगा इस बार क्लियर करना होगा मुझे। मेरा लास्ट चांस है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ जी हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ तेरे को गांव आ जाना पड़ेगा। जी जी ठीक है, रखता हूँ तेरे को। जी जी नमस्ते जी। कभी फोन आ गया, किसी हालत में तो करना ही होगा। बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है डैड। और इस बार प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है मेरी, और कुछ हो भी जाएगा इस बार, मुझे कुछ उम्मीद है अपने आप से। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेगा। जी बिल्कुल डैड। और सब बढ़िया ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन मत लेना, मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। बिल्कुल डैड, एग्जाम और एंट्रेंस तो होती रहेगी मगर तू अच्छे से रहना चाहिए। चश्मा वाला देख के पढ़ा कुछ समझे क्या? मैं पढ़ेगा नहीं सर। रिजल्ट आ गया, देख लिया? हो गया? बाद में कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर आफ्टर। फिर ओ भाई सारी उम्र हम ओ भाई मर के जी ले। क्या हुआ? एक बार तो अब हमें जीने दो जीने। जैसे कि आप सभी ने आप सबको मैं तीन कहानियां दिखाया। पहले कहानी में आप सबको दिखाया एक सीरियस बंदे ने कैसे एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहा था। उसके फैमिली वाले ने इतना सारा सीरियस प्रेशर दे दिया था उसके ऊपर, वो पढ़ाई को छोड़ के कैसे एंट्रेंस क्रैक करेगा उसके बारे में सोचने लग गया, जिसके वजह से वो एंट्रेंस क्रैक ही नहीं कर पाया। दूसरा वाला जो बंदा था वो कॉन्फिडेंट था और मोटिवेटेड भी था, और उसको पता था कुछ ना कुछ वो लाइफ में कर लेगा, अगर एंट्रेंस क्रैक भी नहीं करेगा तब भी वो कुछ ना कुछ कर लेगा, ये सोच के साथ वो एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस वो क्रैक कर लिया। और तीसरे वाले जो बंदा दिखा आपने, उसका लाइफ के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है, एंट्रेंस तो छोड़िए उसको खुद को पता नहीं कि लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में तो अपने को सोचना भी नहीं है। तो आज की ये जो मैंने तीन कैरेक्टर्स दिखा है उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम को आप सभी ने इतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, लाइफ में वो एक ही एग्जाम नहीं है, एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए, दसवीं फेल है वो, मगर उसका जिद था कि क्रिकेट खेले और आज पूरा दुनिया वाले उसको पहचानते हैं, अपने अपने जो चीज़ वो कर लिया है वो चीज़ के लिए वो नाम कर लिया। तो एक ही चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि एंट्रेंस को सीरियसली मत लीजिए। दूसरा चीज़, फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बच्चे के ऊपर इतना सारा प्रेशर मत दीजिए, वो बच्चा अपने हिसाब से उसको पढ़ने दीजिए, क्या पता कि वो एंट्रेंस जो दे रहे उसके काबिल ही ना हो, अगर काबिल हो तब वो खुद ही प्रिपरेशन करके आराम से वो क्रैक कर सकता है।
तीसरी चीज कॉन्फिडेंट रहिए और आप सबको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है, जो जो लूप होल से उसके ऊपर काम करिए और खुद के ऊपर इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से काम करिए, जिसके वजह से आप एंट्रेंस आराम से क्लिक कर सकते हो। अगर एंट्रेंस क्रैक नहीं हो रहे, हर टाइम ये सोचना कि एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगा। तो ये छोटी सी चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहता था। होप करता हूँ कि आप आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए। इस वीडियो में मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारा हेल्प किए हैं, इसकी वजह से मैं उन सबको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और हम सभी का जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ आपको अगर कुछ मन में है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर हम काम करेंगे और आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच।